हेलो दोस्तों गुड इवनिंग सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो फिजिक्स जो आपकी क्लास टेंथ फिज़िक्स है उसके बारे में सो so, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया तो उसमें हम देखते हैं कि 111 व्यूवर के करीब आ गए थे 111 व्यूवर के करीब आ गए थे सो so, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को भी इसी तरह से प्यार दिखाएँ और एक से इस बार ज़्यादा आनी चाहिए है ना तो आप देखते हो कि उस वीडियो में हमने कहाँ तक आपको बता दिया था उस वीडियो में हमने आपको जो आपकी फ़ोकस दूरी जो होती है जो फोकस दूरी हाँ जी हाँ फ़ोकस दूरी के बारे में बता दिया था आज की वीडियो हम किसके बारे में फोकस तल के बारे में पढ़ेंगे तो फोकस तल को इंग्लिश में कहते हैं फोकस फोकस प्लान्स फोकस प्लान्स कहते हैं इसे इंग्लिश में अब देखो समझना क्या है कि दर्पण के फोकस बिंदु से क्या कह रहा है दर्पण के फोकस बिंदु से जाने वाले तथा तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं देखो दर्पण के फोकस बिंदु से ये मान लो कि ये दर्पण है ये देखो इस प्रकार से ये दर्पण है ये इसका एफ पॉइंट है और ये इसका सी पॉइंट है अब ये कह रहा है कि फोकस बिंदु से फोकस बिंदु से जाने वाला जाने वाले जो यहां से ये जा रहा है जो ये आगे पीछे की तरफ जा रहा है अक्ष के लंबवत मतलब सीधा सीधा लंबवत तल को क्या कहते हैं फोकस तल कहते हैं क्या कहते हैं फोकस तल कहते हैं अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा वो होगा अपना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध रिलेशन बिटवी फोकस दूरी सॉरी फोकस डिस्टेंस एंड वर्चुअलेशन ठीक है इसके बारे में होगा सो तो हम इसे करते हैं इरेज

किसी दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कितनी है वी है ठीक है आर है आर आर है तब तब क्या करेंगे ऊपर से हम समझेंगे सवाल को क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो क्या कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या कह रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी अब हम यहाँ पे पहले फोकस दूरी को लिख लेते हैं फोकस दूरी बराबर लगा लेंगे फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है तो आर बराबर क्या हो सकता है एफ अपन टू हो सकता है बिल्कुल यही तो कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो हमने आर की आधी कर दी तो आ एफ अपॉइंट टू हो गया ठीक है या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ये या कह रहा है यहाँ पे देखो कहाँ पर है ये रहा देखो ये यहाँ पे कह रहा है या या में क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है क्या कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है फोकस दूरी की कितनी होती है दुगनी होती है तो एफ बराबर आर पॉइंट टू एफ बराबर आर पॉइंट टू यही है ना बिल्कुल आ, गलती होगी क्या मेरे से बाकी किसी दरपण की फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ये यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है एफ़ बराबर आर पॉइंट टू और ये आएगा यहाँ पे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर टू एफ़ आर बराबर क्या हो जाएगा आ, बराबर टू एफ हो जाएगा एफ बराबर टू, टू एफ होती है अब देखो समझना एक और बात को, यहां पे ये अनंत होती है समतल दर्पण उसकी, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है तो ये हो गया हमारी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अब देखते हैं इसके दो सवालों को सो so, इसे पहले कर देते हैं हम इरेज हाँ तो अब क्वेश्चन क्या है देखो हमने आपको बता दिया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता दिया अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो इसकी क्या करनी है फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले दिया है दिया है हमें क्या गिवन कर रखा है कि एक गोली धर पड़ दिया है उसकी हमें वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या दे रखी है आर बराबर बीस सेंटीमीटर दे रखी है और इसने पूछा क्या है एफ पूछा है एफ पूछ रखा है तो नो दैट वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है R अपॉन टू होता है R अपॉन टू होता है या फिर आर बराबर क्या होता है टू एफ़ होता है टू एफ़ होता है तो हम इसमें रखेंगे एफ़ इज़ इक्वल टू आर बराबर हमें क्या दे रखा है आर बराबर हमें बीस दे रखा है बीस दे रखा है और इसके बट्टे दो लगा देंगे तो एफ़ बराबर क्या हो जाएगा दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर क्लियर है ना इतनी बात क्लियर हो गई कि एक गोली दर्पण में बकर्रा त्रिज्या बीस दे रखी हो तो उसकी फोकस दूरी दस हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या एक गोली दर्पण की फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर तो उसकी बकर्रता त्रिज्या क्या होगी तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर हमें दे रखा है आ, एफ़ बराबर दे रखा है पंद्रह सेंटीमीटर और आर बराबर दे रखा है मतलब पूछा है हमें आर इज इक्वल टू तो आप इसका आंसर किस में बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस में कमेंट बॉक्स में किस में बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में सो so, आपके कमेंट बॉक्स का हमें रहेगा इंतज़ार क्या रहेगा इंतजार सो so, हम करेंगे वीडियो को पोस्ट और लिखते हैं आगे तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में समझेंगे तो देखो दर्पण से अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो उसके तीन नियम होते हैं कितने नियम होते हैं तीन नियम होते हैं अब देखो तीनों नियम में से दो नियम तो कार्य करेंगे तब आपका प्रतिबिंब बनता है देखो कैसे होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करती हैं फोकस मुख्य फोकस से होकर जाती है कहाँ से जाती हैं मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती हैं अब ये हो गई बात है ना अब इसको हम क्या है समझेंगे किसके द्वारा समझेंगे आ, आपने अपने स्ट्रक्चर द्वारा समझेंगे किसके द्वारा स्ट्रक्चर द्वारा तो देखो ये क्या है ये हो गया आपका अवतल दर्पण इधर हो गया ये आपका अवतल दर्पण और ये हो गया इधर आपका उत्तल दर्पण थोड़ी लाइन ये टेढ़ी हो जाती है सो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो है ना इसमें क्या है इसमें इधर होता है ये ये क्या दर्शाता है अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देख रखी हैं, तो आपको पता होगा ये अपने कलई वाले भाग को दर्शाती हैं कलई वाले भाग को इसे एम मान लेते हैं और इसे एन मान लेते हैं और इधर ये क्या होता है इधर ये कलई वाला भाग किधर होता है ये अंदर की साइड में होता है इधर को मतलब कलई वाला भाग होता है इधर ही है ठीक है ना इसे एम मान लेते हैं और इसे एन मान लेते हैं जो हमारी बेसिक डिटेल होती हैं उस हिसाब से तो हम इसे कर ही लेंगे जैसे हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं उसके हिसाब से तो हम बनाते हैं तो उस हिसाब से तो इसे हम बना ही लेंगे देखो इस प्रकार से देखो ये मुझे लग रहा है ऊपर ज़्यादा है इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आता है ये इस प्रकार से ठीक है और एक ये इधर आएगा देखो इसी के बराबर में कर लेता हूँ बिल्कुल बिल्कुल इधर अब इसकी बेसिक डिटेल्स तो हम लिख ही लेंगे ठीक है ना भाई इसकी क्या है हम बेसिक डिटेल्स लिख ही लेंगे यहाँ पे ये क्या होता है ये होता है हमारा R और ये होता है हमारा F ये हो गया भाई R और ये हो गया आपका F ठीक है ना अब देखो क्या होगा समझना जो ये कह रहा है उसी बात को हम ध्यान से समझेंगे ये क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अच्छ कौन सा है भाई ये वाला ये जो आप देख रहे हो ये वाली ये जो लाइन जा रही है देखो ये जो आपकी लाइन जा रही है इसे हम मुख्य अच्छ कहते हैं इसके समांतर चलेगी किस प्रकार से इस प्रकार से ये समांतर चलेगी मेरे दोस्त ऐसे देखो अरे नीचे नहीं आ रही है लाइन नहीं आ रही नीचे ये देखो इसके हमने समांतर कर दी इसने कहा है ये समांतर चलेगी तो हमने भी इसे क्या कर दिया समांतर कर दिया ये कैसी समांतर चल रही है इस दिशा में इसलिए हमने इस दिशा में रख दिया और इसे दे दिया ए नाम ठीक है चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अब देखो परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण जब कोई किरण दर्पण से डकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौटाती है उसी माध्यम में क्या होता है वापस लौटाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है क्या है मुख्य फोकस ये है इससे होकर जाएगी इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से होती हुई जाएगी ये ऐसी जाएगी ये किससे होकर जाएगी मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और ये यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है कैसी होती है आती हुई यहाँ पे प्रतीत होती है ठीक है ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट हो जाएगा और ये यहाँ से जा रही है ये किरण ये किरण क्या है ये किरण आ रही है अपनी यहाँ से सॉरी ये जो किरण है ये आ रही है मतलब यहाँ से चलने के बाद यहाँ से होकर जाती है तो ये क्या है किरण आ रही है अब देखो ऐसा ही यहीं पर होता है कि यहाँ से चल के जाएगी उसके बाद यहाँ से पार निकलने के बाद में वो यहीं से होकर आ जाती है ठीक है तो अब इसके बाद में ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ हो गया अब देखते हैं सेकेंड लॉ जो इसका सेकेंड लॉ है उसके लिए इसे कर देते हैं हम इरेज कर देते हैं इसे क्या कर देते हैं हम इरेज अब देखो सेकेंड नियम क्या है सेकेंड नियम है दर्पण के सॉरी uh, दर्पण से मुख्य फोकस से आ, ये क्या हो गया दर्पण से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं इसे आप लिख लेना नोट कर लेना और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ देखो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण ये हो गया अपना उत्तल दर्पण ये क्या हो गया भैया ये हमें बता रहा है कि ये क्या कर रहा है ये हमारा यहाँ पर क्या लगी हुई है कलई लगी हुई है ये एम पॉइंट है ये एन पॉइंट है वैसे ही हम यहाँ पे कलई भी लगा देते हैं है ना और जो बेसिक डिटेल्स बनाई जाती हैं उन्हें तो हम यहाँ पर बना ही लेंगे ठीक है इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे देखो ये हो गया ठीक है और वैसे ही हम इसे यहाँ पर भी बना लेंगे देखो ये। ठीक है ना इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या होता है यहां पर आपका आर पॉइंट हो गया यहाँ पर आपका वी पॉइंट हो गया और सॉरी एफ पॉइंट हो गया ठीक है यहाँ पर आपका आर पॉइंट हो गया यहाँ पे आपका वी एफ पॉइंट हो गया देखो और भी सारी कई चीज़ें लिखी जाती हैं लेकिन अभी अभी हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं ठीक है ना अब आप समझना इस बात को ये क्या कह रहा है ये जो कह रहा है उस बात को समझेंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो आपका मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या हो रहा है कि हम इसे दर्पण के मुख्य फोकस से जाने देंगे किरण को देखो इस प्रकार से हम जाने देंगे इधर से मैं अगर आपको बनाऊंगा तो अच्छा दिखाई देगा देखो यहाँ से होकर ये किरणें आ रही है देखो ये आ गई किरण आपकी ठीक है ये आपकी क्या आ गई किरण आ गई यहां से ए पॉइंट यहां पे डाल लो और ये ये बता रहा है हमें कि किरण आ रही है जा नहीं रही है ठीक है किरण क्या कर रही है आ रही है ये कह रहा है होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये हमारा दर्पण से परावर्तन हो गया अब क्या है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है जो हमारा ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाती है तो भैया ये कर दी हमने इसके रड़ को समांतर देखो 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 ये क्या हो गई भैया ये हो गई हमारी इसके किरण के समांतर ये यहां से चली जाएगी बी किरण निराश होकर जा रही है इसने बुलाया और इसने निकाल दिया इसने इस अतिथि का सम्मान नहीं किया सम्मान न करते हुए इसे बुलाया और जैसे इसने पहचानने से इनकार कर दिया और ये अपने उन्हीं पाओं से चली गई ठीक है ये तो हो गया हमारे किसके बारे में अवतल दर्पण के बारे में अवतल दर्पण ये आपका तय लग रहा होगा है ना अवतल दर्पण अब आते हैं भैया उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में उत्तर नहीं होता है उत्तर होता है उत्तर दर्पण ठीक है उत्तर दर्पण के बारे में अब वही फॉर जो यहाँ पर है वही लगेगा कि ये कहाँ से होकर जाएगी यू निकलते हुए जाएगी है ना कहाँ से इस प्रकार से ये जाएगी कुछ इस प्रकार से ये यह जाएगी यहाँ से और यहाँ पर जाने के बाद में जैसे ही ये यहाँ से निकलेगी उसके बाद में अपना यहाँ मतलब इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं ठीक है इसे हम इधर को भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इधर से ही मैं बनाता हूँ ये हो गया एफ पॉइंट इसे हम निकाल लेंगे तो ये देखो यहाँ से ये यह इस प्रकार से जाएगा और यहाँ से जैसे ही ये जाएगा उसके बाद यहाँ से लौट के ये वापस आ जाएगा है ना जैसे ही हम इसे यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद में ये इस प्रकार से वापस हो जाएगा ठीक है ना देखो इस प्रकार से ये यह निकलेगा यहाँ से देखो ये इस पॉइंट से जाएगा और इस पॉइंट से होते हुए इसी प्रकार से निकल जाएगा देखो देखो यहां से ये इस पॉइंट से टकराएगा है ना और इसके बाद में ये किसके इसके समांतर हो जाएगा इसके क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा जैसे ये अवतल अवतल दर्पण में यहाँ से जाने के बाद ये इसके समांतर हो गया था वैसे ही यहाँ से जाने के बाद देखो ये इधर वाली साइड को हम थोड़ा सा डैश देते देते हुए दर्शाते हैं इस प्रकार से ठीक है ऐसे करके दर्शाते हैं और ये किसके हो जाएगा ऐसे निकलेगी तो ये इस प्रकार से ये समांतर हो जाएगा ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है यहाँ से ये निकलता हुआ जा रहा है ये यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है अब करेंगे वीडियो को पुश और लिखते हैं इसका थर्ड नियम ठीक है क्या लिखेंगे थर्ड नियम अब देखो जो थर्ड लॉ है थर्ड नियम है वो क्या क्या बता रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है कि दर्पण के सॉरी दर्पण के वक्रता केंद्र से अब देखो चित्र बनाएंगे अपना जो स्ट्रक्चर था उसको ड्रॉ करेंगे ये अपना क्या हो गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये हो गया हमारा सी पॉइंट ये हो गया अपना एफ पॉइंट ठीक है ये हो गया एम और ये हो गया अपना एन ये भी एम हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा यहाँ से जैसे ही आप देखोगे ये यहाँ पर है ये मैंने बताया ना आपको ये बताता है कि किस तरफ अपना वो जो अपना जो, जो कलई की किया हुआ भाग है ऐसे ही यहाँ पर होता है दर्पण का कलई किया हुआ भाग उत्तल दर्पण में यहाँ पर अपना एफ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर अपना सी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे अपना एफ़ पॉइंट हो जाएगा ठीक है एफ़ पॉइंट होगा जैसे यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पे होगा सी पॉइंट ठीक है अब देखो ये कह रहा है और तो सभी ठीक है ना हाँ सभी ठीक है दर्पण के बकरता केंद्र से कहाँ पर होके जाएगी बकरता केंद्र से होकर होते हुए जाएगी तो पहले हम क्या करते हैं कि बकरता केंद्र से होकर हम एक किरण को गुजारते हैं देखो इस प्रकार से गुजारेंगे हम बकरता केंद्र से होते हुए इस पर बिल्कुल आना चाहिए इस प्रकार से देखो इस प्रकार से ये जाएगा ये अब देखो ये ए पॉइंट है ये यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है है ना बक्रता केंद्र से होकर जा रहा है और परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये बकरता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा वापस लौट जाएगा इसी पॉइंट से सी पर ही होते हुए वापस लौट जाएगा ऐसा ही यहाँ पे होता है कि जैसे ही अपनी क्या जाती है प्रकाश की किरण जाती है यहाँ से क्या होगा जैसे ही अपनी प्रकाश की किरण जाएगी ये जा रही है किरण और ये यहीं से वापस लौट आती है ये किरण क्या करती है ये यहाँ पे देखो इधर भी इधर आपका इस प्रकार से दर्शाते हैं ठीक है और ये क्या करेगी यहाँ पर यहाँ तक जाएगी देखो कुछ इस प्रकार से ये जाएगी ये यह यहाँ से क्या कर रही है यहाँ पर नहीं यहाँ दर्शाते हैं ये यह यहाँ से जाएगी और इसी कदम से ये वापस लौटाएगी क्या करेगी इसी प्रकार से ये वापस लौट आएगी सो so, ये हो गए आज के टॉपिक है ना यहाँ तक कवर हो गया तो वो यहाँ तक तो ये कवर हो गया आगे जो हम देखेंगे दर्पण और समतल दर्पण के बारे में देखेंगे तो उससे पहले अगर मैं चाहूँ तो एक देखिए आप लोगों के लिए है है ना अच्छा एक बात बताओ आपने जो Uh, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था जो आपको वक्रता केंद्र वाला उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था और दूसरा क्वेश्चन आपको करना था उस क्वेश्चन को वही आप जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में कर लेना और अगर आपको पीछे का सिलेबस मतलब जो हमने पीछे वीडियो कराई हैं उनको अगर आपको देखना है तो वो आपको हमारी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो देखो उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक बताऊँ कि देखो जब आँखों में अरमान लिया जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया क्या है मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या है आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया है ना इस प्रकार से ही है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया अब आसान किया अब मुश्किल किया जब ठान लिया तो ठान लिया मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हिंद